तो यदि ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है तो ये सारे जो फंडामेंटल्स आपको इस वक्त इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि डॉज कॉइन को इस वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिप्टो यूट्यूब के अंदर। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। मार्केट में आज बात करेंगे, टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना चाहूंगा, डॉज कॉइन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया क्योंकि मार्केट में इतना हवा फैलाया जा रहा है डॉज कॉइन के ऊपर कि डॉज कॉइन के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि डॉज कॉइन के जितने भी होल्डर्स अभी मार्केट के अंदर हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए। यदि आप डॉज कॉइन को होल्ड करते हो तो इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और या फिर आप लोग सोच रहे हो कि हमको डॉज कॉइन बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके साथ में मार्केट की बात करेंगे, ओवरऑल यहाँ पे जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि उसी से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो भी हमेशा जेन्युइन कंटेंट है क्रिप्टो से रिलेटेड आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो घंटी वाला बटन याद करके दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो होते हैं चैनल के आपको हमेशा टाइम पे मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए डॉज कॉइन की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.14। हम यदि बिटकॉइन की बात करते हैं तो उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले मैं आपको डॉज कॉइन की सब कुछ यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। डॉज कॉइन को प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा कि एलोन मस्क इसके ऊपर क्या क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि ट्विटर और एलोन मस्क इनके बीच में एक अलग सा पंगा चल रहा है। एलोन मस्क ने पहले ट्विटर के 9.2% स्टेकिंग उन्होंने ले ली, यानी कि ट्विटर का जो 9.2% स्टेक था वो एलोन मस्क ने पहले ही एक्वायर कर लिया था। उसके बाद एलोन मस्क ने एक बड़ा ही अलग सी बात बोली कि वो चाहते हैं कि 100% ट्विटर का जो स्टेक है उनके पास हो जाए। उसके लिए उन्होंने एक ऑफर भी दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो आई मेड एन ऑफर। अब इन्होंने यहाँ पे ऑफर किया था $43 बिलियन के अंदर कंप्लीटली जो ट्विटर का स्टेक है वो ये लेना चाहते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेक है ये कंप्लीटली लेना क्यों चाहते हैं और इसका क्या एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है और इसका क्या डॉज कॉइन से रिलेशन हो सकता है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, लगभग 21 सितंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त ट्विटर के द्वारा ट्वीट आया था कि उन्होंने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट उनके मोड के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन डॉज कॉइन को नहीं किया है। तो उसके बाद से ट्विटर और डॉज कॉइन प्लस एलोन मस्क इनका ये जो अलग सा एक पंगा है वो आपको यहाँ पे नजर आता हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद अब एलोन मस्क ने यहाँ पे ऑफर किया ट्विटर को कि 43 बिलियन के अंदर कंप्लीटली वो इस जो कंपनी है उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर ये कंपनी चले या फिर एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म के अंदर ये कंपनी चले, लोगों के पास इसके शेयर्स नहीं होके एज अ कंप्लीटली प्राइवेट कंपनी इसको ये करना चाहते हैं 43 बिलियन के अंदर। तो यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, सपोज करिए एलोन मस्क के पास ये जो ट्विटर का कंप्लीटली एक्विजिशन है वो आ जाता है, तो उसके बाद वन स्टेप जो कंप्लीटली होने वाला है वो यही होने वाला है कि डॉज कॉइन को वो एज अ पेमेंट एक्सेप्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। बेसिकली एलोन मस्क चाहते हैं कि जो आप लोगों को ट्विटर पे ये जो ब्लू टिक वाले नजर आ रहे हैं उनका जितना भी है उनका भी एक पेमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, उनसे भी एक फी चार्ज करनी चाहिए। और वो फी जो है यदि उस फी को इन्होंने कर दिया, सपोज करिए डॉज कॉइन के अंदर वो पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो यहां से जो डॉज कॉइन की प्राइस है वो अच्छी खासी बूम हो सकती है। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये एक दिमाग लगाने वाली बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यदि आप डॉज कॉइन को होल्ड करते हो क्योंकि एलोन मस्क डॉज को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इंटरवल्स के अंदर इनके ट्वीट आते रहेंगे और हमेशा आते हैं। जब भी इनका ट्वीट आता है डॉज कॉइन के अंदर एक पंप जो है वो हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट डॉज कॉइन की न्यूज है वो भी कवर करता हूं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको हमको दिमाग से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। यदि एलोन मस्क ट्विटर को कंप्लीटली एक्वायर करते हैं तो फिर यहाँ पे ये कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीटली डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो डॉज कॉइन की प्राइस है वो आसानी से, मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि $1 भी चली जाए तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मार्केट की, तो ओवरऑल मार्केट तो इतना अच्छा नहीं है। मार्केट BTC की हम बात करें 40,000 के आसपास अभी चल रहा है, एक अच्छा जोन है। 40,000 को हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन इसको ब्रेक करता है तो फिर वही 37,500 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। उसके बाद हम वॉल्यूम को भी देखें तो उतना कोई ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम अभी जनरेट नहीं हो रहा है। बाकी मैं डॉज कॉइन की एक बार टेक्निकल्स पे देखना चाहूंगा, तो देखिए डॉज कॉइन के अंदर अभी काफी ज्यादा अच्छी खासी एक वॉल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हुई है कुछ टाइम से, तो इसका एक कंप्लीटली आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन जो है इन सारी न्यूज का आके एक ही जगह पे आता है, वो आता है डॉज कॉइन के ऊपर। और एक और डॉज कॉइन की जो बड़ी इस वक्त न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर वो है, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉज कॉइन माइट सून बी एबल टू परफॉर्म द ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। अब ऑफलाइन ट्रांजेक्शन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज तक जितने भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर है सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर आज तक कोई भी ऐसा
क्रिप्टो का कॉइन या फिर क्रिप्टो का टोकन नहीं है। तो यदि डॉज कॉइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन में यूज आने लग गया, जो कि उनका एक अभी प्रोजेक्ट उन्होंने चला रखा है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, रेडियो डॉज के नाम से डॉज कॉइन फाउंडेशन है, उन्होंने ही यहाँ पे इस ट्वीट को अपलोड किया था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये सब चीजें भी हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन में किस तरीके से ट्रांजेक्शन हो पाए डॉज कॉइन की, तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो यदि ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है तो ये सारे जो फंडामेंटल्स आपको इस वक्त इशारा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि डॉज कॉइन को इस वक्त होल्डिंग करने की जरूरत है, ना कि सेल करने की। और बाकी यदि आप लोगों ने ऊपर बाई करके रखा है तो नीचे वापिस से बाई करें और इसके अंदर एवरेज आउट कर सकते हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और जो भी डॉज कॉइन की होल्डर्स हैं उनको तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों से यहाँ पे अपने आप को अपडेट रखना। अब यहाँ पे ये सब बातें हो गई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अलग टॉपिक के ऊपर। आपने अभी तक यदि टेलीग्राम को और हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम को डेफिनेटली आपके सामने ये जो नजर आ रहा है उसको डेफिनेटली फॉलो जरूर कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।